अच्छा फेवरेट फेस्टिवल क्या है? मैम फेवरेट फेस्टिवल हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैपकट की मदद से छठ पूजा रील्स एडिटिंग सिखाने वाला हूं, और आप लोगों को मैं बताऊं कि जो इसमें मैं मटेरियल यूज करने वाला हूं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को उसका लिंक होगा और डाउनलोड कर लेना। और सिंपल से आप लोगों को मैं बताऊं कि गाइज आप लोग एंड इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे रहना। आप लोगों को मालूम है कि हर वीडियो में आप लोगों को उस तरीके से गाइड करता हूं जिस तरीके से भाई कोई भी गाइड आप लोगों को नहीं करता है, जहां पर मैं आप लोगों को सिंपल वे में और आप लोगों को एडिटिंग सिखाता हूं। देन चलते हैं अपने वो स्क्रीन की तरफ, और आप लोगों को यहां पर सबसे पहले अपने वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। देन कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन खोल लेना है, और आप लोगों के पास कैपकट ना हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, पिन सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कैपकट खोलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को वीडियो सेक्शन में आ जाओगे, एंड जो भी मैं मटेरियल डाउनलोड किए होंगे तो इस टाइप का आप लोगों को एक क्लिप देखने के लिए मिलेगा। इसको आप लोगों को सिंपल से फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को ये ऐड कर लेना है। देन आप लोगों को ये ऐड करने के बाद आप लोगों को सेकंड नंबर पर ये वाला ऐड कर लेना है क्लिप, जो कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। देन इतना करने के बाद आप लोगों को ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप लोगों को ये दोनों क्लिप ऐड मिलेगा। देन इतना करने के बाद आप लोगों को नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है और एक्सपेक्टेड रेशियो में क्लिक करके 960 कर देना है। देन इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को म्यूजिक ऐड करना है, तो ऐड आइडियो पर क्लिक करना है। देन आप लोगों को साउंड में क्लिक करना है। देन साउंड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फाइल का आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। देन उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को लाइक से यहाँ पर आप लोगों को एक डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। देन उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, उस सर्च में आप लोग मेरे चैनल का नाम लिखना VI एडिटर। तो देन आप लोगों को जैसे ही VI एडिटर लिखते हो तो आप लोगों का जो भी सॉन्ग होगा और जो मेरे डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड किए होंगे वो आप लोगों के यहाँ शो होने लगेगा। देन आप लोगों के मोबाइल में बहुत सारे सॉन्ग होंगे, तो एंड वो वाले जो आप लोगों को जो मैं छठ पूजा का सॉन्ग दिया हूँ आप लोगों को प्ले करके यहाँ पर सुन लेना है कि जो मैं आप लोगों का प्रीव्यू में सॉन्ग सुनाया था वही सॉन्ग तो आप लोगों का है या नहीं है। देन वो सॉन्ग आ जाता है तो आप लोग सिंपल से आप ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि अब अपने सॉन्ग को सुनना है और अपने लिरिक्स यहाँ पर जो आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन में आता होगा उन दोनों को मैच कर लेना है। देन आप लोगों का मैच हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ करना है, एंड देन सेकंड क्लिप में जाना है और थोड़ा सा इसको लमसम आप लोगों को एंड एक सेकंड से भी कम आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कम करना है। देन इतना कम करने के बाद आप लोग देख सकते हो एंड जहाँ से हमारा सॉन्ग स्टार्ट होता है उतना ही आप लोगों को ये सेकंड वाला क्लिप करना है, तो आप लोगों को 1.9 सेकंड कर लेना है, जो कि सेकंड आप लोगों का क्लिप होगा। देन इतना करने के बाद आप लोगों को इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितनी भी फोटो मैं दिया हूँगा उन सारी फोटो को आप लोगों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को 9 से 10 फोटो मिल जाती हैं, जो कि आप लोगों को फोटो का डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल जाएगा। देन उन सारे फोटो को आप लोगों को इस तरीके से ऐड कर लेना है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। और आप लोगों को किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एंड सॉरी गाइस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पर मुझे फॉलो करके आप लोग DM भी कर सकते हो। देन इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो तो आप लोगों को 960 में इसको पूरी रेशियो में इस तरीके से आप लोगों को जूम कर लेना है। देन इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो तो इस तरीके से मैं सारी फोटो को जूम कर लेता हूँ, जो कि आने वाले मतलब पूरी एडिटिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। तो इस तरीके से करने के बाद आप लोगों को देखो ये आप लोगों को सेकंड जो क्लिप है उसके जस्ट आगे जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को फोटो स्टार्ट होता है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक आप लोगों को ओवरलेयर ऐड करना है, देन आप लोगों को क्लिक करना है, देन यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को वीडियो सेक्शन में ये वाला मैं क्लिप दे दूंगा, तो जो आप लोगों को इसको ऐड कर लेना है। देन इतना ऐड करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से इंटरफेस आएगा और ये ऐड हो जाएगा। देन इतना करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा इसको जूम करना है। देन जूम करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से पूरे रेगुलेशन में लगा के एंड देन इसका ब्लैक पार्ट जो है इस वीडियो में उसको आप लोगों को हटाना है। तो देन आप लोगों को क्या करना होगा कि इस पर आप लोगों को टैप करना है, तो इस पर टैप करने के बाद आप लोगों को स्प्लिस मिल जाएगा। तो आप लोगों को नीचे साइड स्क्रॉल डाउन देखना पड़ेगा, आप लोगों को ये तीसरे नंबर पर स्प्लिस मिलता है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लाइटनेट या आप लोगों को फिल्टर क्लिक कर सकते हो, दोनों में से आप लोग एक क्लिक कर देना। देन आप लोगों को इस तरीके से हो जाएगा, और लाइटनेस आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोगों को इस तरीके से हो जाता है, जो कि आप लोग लाइट में आ जाता है। तो देन आप लोग फिल्टर या लाइटनेस क्लिक कर सकते हो। देन इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों की फोटो की लेंथ है एंड आप लोगों की ये लेयर की जो लेंथ है आप लोगों को 1.5 सेकंड कर लेनी है। तो देन आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो 2.1 सेकंड होगा, तो आप लोगों को इसको कम कर लेना है, जैसे कि 1.5 सेकंड कर लेना है।
देन आप लोग जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आप लोग देख सकते हो 1.5 सेकंड हो गया है। इतना करने के बाद जो भी आप लोगों की फोटो होंगी उतनी सारी फोटो की लेंथ को 1.5 सेकंड कर लेनी है, और एक भी फोटो की लेंथ लमसम कम या ज़्यादा नहीं करना। जितनी भी फोटो होंगी उस सारी फोटो का लेंथ 1.5 सेकंड रखना है। देन आप लोगों 1.5 सेकंड रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी दिक्कत होता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप लोगों को इंटरफेस करना है एंड आप लोगों को उसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो देन आप लोगों को सारी फोटो को 1.5 सेकंड करने के बाद, जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो इस तरीके से मैंने कर लिया है एंड सारी फोटो को मैं करता रहूंगा। एंड देन करने के बाद आप लोगों को जो कि लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा फोटो, उन सारी फोटो को आप लोगों को डिलीट कर सकते हो। एंड नहीं तो आप लोगों को जो भी फोटो एंड खराब लगती है उससे आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस फोटो को मैं लेंथ को सही से कर लेता हूँ 1.5 सेकंड। एंड लास्ट फोटो को आप लोगों को अपने सॉन्ग के बराबर आप लोगों को कर लेना है, तो देन इसको 5 सेकंड कर लेता हूँ 1.5 सेकंड। एंड देन यहाँ पर लास्ट में मेरी जो फोटो बचती है इसको स्प्लिट करके एंड आप लोगों को इस तरीके से कर लेना है। देन इतना करने के बाद अब आ जाते हैं हम अपने ओवर लेयर में, जहाँ पर आप लोगों को ये 1.5 सेकंड हमने ऑलरेडी करके रखा है। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि गाइज आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि हम ऑलरेडी आप लोगों से कहते हैं कि पूरी वीडियो को आप लोग सही से देखा करो, जहाँ पर आप लोगों को एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ सारे एक लेयर को, और यहाँ पर जितनी हमारी फोटो होंगी उतने आप लोगों को यहाँ पर लेयर बना लेने। देन इतना करने के बाद आप लोगों को लास्ट में इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। देन इतना एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि गाइज आप लोगों को एक बार प्ले करके मैं दिखा दूँ, जहाँ पर हमारा जो भी यहाँ पर हमारी एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। देन आप लोगों को देख सकते हो तो यहाँ पर मैं जब प्ले कर रहा हूँ तो हमारी फोटो जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, और जो हमारी जो लेयर लगाए हैं वो हमारी थोड़ी सी पहले से फ्लैश कर जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को उसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो चलते हैं, उससे पहले आप लोगों को यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ पर फोटो में हम क्लिक करेंगे, देन आप लोगों को एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बो में जाएंगे, और कॉम्बो में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक मिल जाएगा जो कि आप लोगों को एनिमेशन मिलेगा, जो कि आप लोगों को एनिमेशन लगाना है जूम 1। और जितने भी फोटो आप लोगों की होगी, जितने भी आप लोग 8 से 9 फोटो ऐड किए होंगे, उन सारी फोटो की लेंथ आप लोगों को आप लोगों की जितनी फोटो होंगी उन सारी फोटो को आप लोगों को जूम 1 में लगा लेनी है। तो देन हम सारी फोटो में एनिमेशन जूम 1 लगा लेते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से एक एक फोटो पर टैप करने के बाद आप लोग जूम 1 यहाँ पर लगा लेना, देन आप लोगों को कॉम्बो के अंदर चले जाना है। अब यह देख सकते हो हमारी जो ये जो लेयर लगाए हैं वो आप लोगों के ऊपर जब देख रहे होगा तो छोटी और बड़ी होंगी। तो देन आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो देन हम आगे से थोड़ी सी इस तरीके से कर लेंगे, जहाँ पर हम देख सकते हो जो हमारी यहाँ से फोटो स्टार्टिंग हुई है उतनी में कर लूँगा। तो जैसे कि आप लोग आगे से हम इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, एंड इसको भी हमारी सही से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं एडजस्ट इसको भी कर लेता हूँ। और आप लोग इसी तरीके से ध्यान से इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जहाँ पर आप लोगों की क्लिप आगे से पीछे हो जाती है तो उसको आप लोगों को जरूर से जरूर ये ध्यान देना है। अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम इस तरीके से फिल कर देंगे आगे। तो देन आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको फिल कर देता हूँ। ये चीज़ आप लोगों का मेन होता है, जो कि आप लोगों का जो फोटो ऐड करते हो उस फोटो के एनिमेशन जो लगाते हो वो एनिमेशन आप लोगों का अच्छे से वर्क करे और आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो देन आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देन इतना करने के बाद आप लोगों को एक व्हाइट मार्क दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को फ्लैश यहाँ पर लगा लेना है, व्हाइट फ्लैश लगाने के बाद आप लोगों को अप्लाई ऑल पर करने के बाद यहाँ पर यस कर देना है। देन आप लोगों को यस करने के बाद आप लोग देख सो तो इस तरीके से लग जाएगा। और यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि ये देख सकते हो आप लोगों को जितनी भी एक फोटो है उसी के जस्ट ऊपर पीला वाला लेयर लग चुका है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से ओवर लेयर लगा हुआ है और आप लोग देख भी सकते हो। तो बहुत सारे मेरे पास DM भी आते हैं कि भाई जो मेरा एनिमेशन लगा रहा हूँ, जो कि मैं अपना लेयर वाला एनिमेशन लगा रहा हूँ, वो मेरा खुल रहा है पहले और फोटो बाद में आ रहा है। तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फोटो के बराबर ही अपनी लेयर को रखना है, जो कि आप लोग देख सकते हो व्हाइट वाला लेयर जो है और व्हाइट जो आप लोग पीला वाला लेयर है जो एक बराबर आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। देन इतना आप लोगों को ध्यान देना है। एंड गाइस आप लोगों को मेरी रेटिंग कैसी लगती है और छोटी छोटी बातों का जरूर मैं ध्यान रखा करो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेंगे आई होप आप लोगों को अच्छे से प्यार दिखाओ मेरे वीडियो में और जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। लव यू गाइस, नेक्स्ट में मिलता है। आई होप लव यू गाइस।